यस क्लास 9 स्टूडेंट्स वेलकम बैक विद आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर सेक्शन क्लास 9 द साउंड ऑफ म्यूजिक रिटन बाय डिबोरा पाउले। अब इस व्यक्ति की जो कहानी है द साउंड ऑफ म्यूजिक एक ट्रू स्टोरी है। ट्रू स्टोरी किस पर है? बेस्ड ऑन व्हाट? ट्रू स्टोरी बेस्ड ऑन अ 17 ईयर ओल्ड टीनेज गर्ल, नाम है एवेलिन ग्लैनी। शी फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड मेक हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। ये एक लड़की है 17 वर्ष की टीनेज गर्ल जिसका नाम है एवेलिन ग्लैने। ये अपनी शारीरिक जो अपंगता है, एक वो कौन सी अपंगता है हम कहानी में बाद में जानेंगे, नहीं बताऊंगा अभी मैं। शारीरिक अपंगता से लड़कर अपनी कहानी को एक सक्सेसफुल कहानी बनाती है और उसी टॉपिक से साउंड ऑफ म्यूजिक से। तो म्यूजिक का आप जानते हो धुन संगीत, और संगीत में वाकई में बहुत शक्ति होती है। कुछ ऐसी बातें इसमें नजर आएंगी आपको कि किस तरह से एक व्यक्ति डिटर्मिनेशन और हिम्मत न हारे अगर तो सफलता उसके कदम चूमती है। इस बात को देखते हुए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। और कहानी में है क्या? द प्लेस इज, कहानी की शुरुआत होती है इस ढंग से कि द प्लेस इज एन अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, देयर इज अ ह्यूज रश, पीपल आर पुशिंग ईच अदर टू गेट अवे। और ये कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से प्लेटफॉर्म की, रेलवे प्लेटफॉर्म जो अंडरग्राउंड में है। वहां अफरा तफरी का माहौल है, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं रास्ता पाने के लिए और निकलने के लिए। वहां से दृश्य शुरू होता है और वहीं पर उसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़की है, स्मॉल थिन गर्ल नाम एवेलिन, वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर लंडन। शी फील्स द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। और वहीं पर एक छोटी सी पतली सी लड़की जिसका नाम एवेलिन है या बैठी हुई है, ट्रेन का इंतजार कर रही है और उस ट्रेन का इंतजार कर रही है जो लंदन के लिए जाएगी, और वहां वो बेसब्री से उसका वेट कर रही है। और उसी दौरान उसे कंपन की आवाज सुनाई देती है, वाइब्रेशन सुनाई देती है ट्रेन की, और वो फील करती है कि ट्रेन आ रही है जो लंदन को जाने को है। और लंदन जाने को क्यों है इसे, वो भी रीजन हम आगे देख रहे हैं। शी गेट्स नर्वस एंड एक्साइटेड, दोनों फीलिंग करते हैं, वो नर्वस भी होती है और एक्साइटेड होती है। क्यों? रीजन है, शी इज गोइंग टू लर्न म्यूजिक इन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इस लड़की एवेलिन का एडमिशन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में हो चुका था, एक बहुत बड़ी संस्था संगीत की है, और वहां पे इसका एडमिशन हो गया था। ये एक्साइटेड थी वहां जाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ नर्वस थी। नर्वस क्यों थी? क्योंकि वो एक नई जगह लंदन को जा रही थी, और लंदन जो जगह था एक नया जगह था उसके लिए, एक्साइटमेंट से भरी हुई जगह, आपाधापी की जिंदगी, फास्ट तेज तर्रार देश शहर। और ये लड़की एट प्रेजेंट शी इज इन स्कॉटलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री में आता है, एंड शी इज एक्साइटेड बिकॉज हर ड्रीम वॉज अबाउट टू कम ट्रू। और नर्वस क्यों थी? नर्वस इसलिए थी कि लंदन जा रही थी, एक बड़ा ही डिफरेंट अलग जगह, क्योंकि स्कॉटलैंड में थी। स्कॉटलैंड एक छोटा सा ऐसा देश है यूरोपियन कंट्री में जो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, बहुत रफ्तार नहीं है वहां की जिंदगी में, लोग सामान्य नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। उसकी तुलना में लंदन एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कंट्री, इसका पूरा का पूरा जोन बदल रहा था, एक सामान्य जगह से एक बहुत हाई प्रोफाइल जगहों में जा रही थी। तो इसीलिए शी वॉज नर्वस, लेकिन एक्साइटमेंट होने का कारण क्या था कि वह अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जा रही थी। और उसका ड्रीम क्या था? दैट वॉज म्यूजिक, क्योंकि उसको एक बहुत बड़े एकेडमी में एडमिशन हो गया था। अब हर बिगेस्ट चैलेंज वॉज दैट शी वॉज डेफ, शी लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी स्लोली एंड स्लोली। लेकिन इन सबके बावजूद उसकी एक परेशानी थी, जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव था उसके साथ, घटना घट गई थी, और उस पड़ाव में थी जहां उसका जिंदगी स्वागत कर रहा है उन्नति के लिए। और उसका जिंदगी का एक चैलेंज क्या था? वो चैलेंज यह था कि वो कान से सुन नहीं पाती थी, शी वॉज डेफ। उसने अपनी हियरिंग की एबिलिटी यानी सुनने की क्षमता धीरे धीरे खो चुकी थी। मतलब इससे यह पता चलता है कि बाय बर्थ बचपन से वो ऐसी नहीं थी, कोई शारीरिक कुछ ऐसी चेंजेस आ गए हो या कोई घटना घटी हो जिसके कारण उसके कान में सुनने की क्षमता धीरे 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 घटने लगी थी। और फाइनली एक समय आया था वो साफ बहरी हो चुकी थी, शी वॉज डेफ, उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग था खत्म हो चुका था। अब इसको हम कैसे जानेंगे? इसको बताने के लिए, इस कहानी को दर्शाने के लिए उसकी माँ इजाबेल का इंट्रोडक्शन हो रहा है इस कहानी में। इजाबेल मदर ऑफ एवेलिन सेज दैट व्हेन शी वाज 8 वर्ष की लड़की, जबकि वो 8 वर्ष की, कौन लड़की? एवेलिन है ना। तो उसकी माँ इजाबेल बताती है कि जब एवेलिन 8 वर्ष की थी, शी केम टू नो अबाउट इट,
उसको इस बारे में जानकारी हुई थी, कब, जब वो 8 वर्ष के थे। और घटना क्या थी कि एक बार कोई बच्चा पियानो बजा रहा था, इसकी भी इंटरेस्ट हुई बजाने की, और ये भी वहां थी बजाने के दौरान, इसका भी नाम पुकारा गया बजाने के लिए, लेकिन ये रिस्पॉन्स नहीं की। एहसास होने लग गया इसी बात से, इसी घटना से, उसकी माँ को कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं दिया, और फिर से एडवाइस किया गया डॉक्टर के पास जाने के लिए। और धीरे धीरे वो तो था कब, जब वो 8 ईयर्स की थी, स्लोली स्लोली ऐसे ही 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, धीरे धीरे उसकी हियरिंग एबिलिटीज कम होती गई, और 11 वर्ष की अवस्था में आते आते वो पूरी तरह से बधिर हो चुकी, सुन नहीं पा रही थी, बहरी हो चुकी थी, सेंस ऑफ हियरिंग उसका समाप्त हो गया था। Evelyn was advised for hearing aids and also to be sent to school for deaf children. Evelyn को deaf children के स्कूल में भेजने की सलाह दी गई, Evelyn को hearing aid लगाने की सलाह दी गई डॉक्टर के द्वारा। एक्चुअली में हुआ क्या, इसमें और भी कुछ घटनाएं हैं। घटना क्या है कि वो जब क्लास में थी तो उसका धीरे धीरे परफॉर्मेंस क्लास का कम हो रहा था, उसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था, वीक हो रहा था। टीचर ने इस बात की चर्चा की, पेरेंट्स को एहसास हुआ, उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए सलाह दी गई, डॉक्टर के पास गया, उसका चेकअप हुआ और उसे डेफ पाया गया। तब डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उसको हियरिंग एड्स एक लगना चाहिए, यानी कि एक यंत्र, एक मशीन जो कान में लगता है, सुनने में मदद करता है, और दूसरा कि बधिरों वाला जो स्कूल है, यानी जो विद्यार्थी जिनको सुनने की क्षमता ना हो, वैसे का स्पेशल स्कूल होता है, वैसे स्कूल में एडमिट कराया जाए। अब जब एवलिन के साथ ये घटना 11 वर्ष की अवस्था तक घट चुकी थी, शी वॉज लगभग अबाउट फिनिश्ड, यानी कि हियरिंग एबिलिटीज उसकी खत्म हो चुकी थी। जब एवलिन को इस बात की जानकारी हुई, व्हेन शी केम टू नो अबाउट दिस, इसकी पूरी दुनिया जो है बिकेम कलरलेस, वो अस्तब्ध हो चुकी थी, रंगहीन दुनिया बन चुकी थी, चारों तरफ उसका ब्लैक ब्लैक छा गया था। कारण, जिस इंसान ने कभी सोचा ही ना हो मेरे साथ ऐसी घटना घटे, और अचानक ऐसी घटना को उसको सुनने को मिलता है, तो वी कैन फील एज अ ह्यूमन बीइंग कि हमारे साथ अगर हो तो हम क्या फील करें। ऐसा ही उसके साथ हुआ, शी वॉज एकदम ब्लैक आउट, पूरा अंधकार में चली गई, लेकिन फिर भी उसने डिटरमाइन किया, संकल्प निश्चय किया कि शी विल नॉट गिव अप, वो हार नहीं मानेगी और नॉर्मल जिंदगी जिएगी, और अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, जो कि म्यूजिक था, उसको वो फॉलो करेगी। यानी कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि इंसान टूट सा जाता है, लेकिन इस लड़की ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया और इसने सोचा कि मैं इस परेशानी से लड़कर जंग जीतूंगी इस दुनिया में और अपने ख्वाब को पूरा करूंगी। वन डे शी वॉन्टेड टू प्ले साइलोफोन बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। तभी रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। एक दिन की बात है कि वह किसी बच्चे को जाइलोफोन बजाते हुए सुनी थी, उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊं। एक यंत्र है, टिंग 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 करके बजता है, यू कैन सी इन द फिगर इन योर चैप्टर, और वो इस चीज को प्रपोजल करती है, लेकिन सभी टीचर्स उसको इनकार करते हैं, मना करते हैं कि तुम्हें तो सुनाई नहीं देती ना, तो धुन को कैसे पकड़ोगी, पहचान होगी, लेकिन वो इंसिस्टेंट थी, जिद करती थी कि वो बजाएगी, लेकिन टीचर्स उसकी कमजोरियों को उसको उजागर की और मना किया। और उसी दौरान एक व्यक्ति की एंट्री होती है, वह है रॉन फॉक्स। इसकी नजर पड़ जाती है एवलिन पर और उसकी पोटेंशियल पर, यार इच्छुक है ये, अपनी बधिरता को भी छोड़कर यह चाहती है कि इस फील्ड में आगे बढ़े, और इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, और वो व्यक्ति का नाम है रॉन फॉक्स। और यहां पे आपकी कहानी को हम रोकते हैं कि रॉन फॉक्स की एंट्री हुई, इसने एवलिन के एबिलिटीज को, पोटेंशियल को, क्षमता को पहचाना, और आगे की कहानी क्या होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में। टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच। कहानी को एक बार पढ़िएगा, सुनिएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि एवलिन की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग और रोचक है। अब तक जो आपने देखा, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट, तब तक इसको नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।